फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज किचन। मैं हूं रोज आपके साथ। फरवरी का मंथ लगभग खत्म होने को है और मार्च शुरू होते ही इंडिया में शुरू हो जाएगा गर्मी का मौसम। ऐसे में समर को वेलकम करते हैं एक कूल डेजर्ट के साथ। बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई होता है डेजर्ट का फैन, सो सबके लिए आज बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चोको मूस घर पे। और कैसे बनाते हैं ये टेस्टी कूल माउथ वाटरिंग डेजर्ट घर पे, जानने के लिए देखते रहिए मेरा आज का वीडियो। चोको मूस बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए व्हिप्ड क्रीम, फ्रेश क्रीम, ग्रेटेड डार्क चॉकलेट, थोड़ा व्हाइट चॉकलेट का क्रंच, वैनिला एसेंस और मिंट लीफ गार्निशिंग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चोको मूस बनाना। पहले एक पैन में हम लोग का जो फ्रेश क्रीम है उसको थोड़ा सा गरम कर लेंगे। फ्रेश क्रीम को सिर्फ हम लोगों को गरम ही करना है, इसको कुक नहीं करना है, तो थोड़ा गरम कर लेना पड़ेगा। फ्रेश क्रीम अभी गरम हो गया है तो इसको हम लोग निकाल लेंगे एक बोल में। हम लोगों का फ्रेश क्रीम गरम हो गया है तो अभी हम लोग इसके अंदर हम मिला लेंगे डार्क चॉकलेट को और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम गरम है इसीलिए चॉकलेट भी इसके साथ मेल्ट हो जाएगा और हम लोगों का गनाश रेडी हो जाएगा। हम लोगों का गना श्रेडी हो गया है तो अभी हम लोग लेंगे व्हिप क्रीम को और इसके अंदर ये मेल्टेड चॉकलेट डाल देंगे। और साथ ही साथ डाल देंगे जो व्हाइट चॉकलेट का कुछ क्रंचेस है मेरे पास उसको। और डालेंगे थोड़ा वैनिला एसेंस, ये ऑप्शनल है, आप यूज भी कर सकते हैं या फिर बिना यूज से भी चल जाएगा। और इसको हल्के हाथ से फोल्ड कर देंगे। क्रीम बहुत लाइट होता है तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से मिक्स कीजिए। कट एंड फोल्ड मेथड में इसको मिक्स करना पड़ेगा। कट एंड फोल्ड। आपको अगर ज्यादा मीठा चाहिए तो आप शुगर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली चॉकलेट में स्वीटनेस होता है और क्रीम भी बहुत स्वीट है, इसीलिए मैं इधर शुगर यूज नहीं कर रही हूँ। चॉकलेट और क्रीम अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी इसको हम लोग कर देंगे प्लेटिंग। प्लेटिंग के लिए मेरे पास है ऐसा शॉर्ट ग्लास, इसको इसके अंदर हम लोग ऐसे चम्मच की मदद से भर लेंगे हम लोगों का चोको मूस। थोड़ा सा टैप कर लीजिएगा ताकि कोई जगह खाली ना रह जाए। अभी हम लोग मूस को ऐसे भर लिए हैं और मेरे पास ऐसा एक बटर पेपर से बनाया हुआ व्हिपिंग क्रीम का बैग है तो इससे थोड़ा सा कर लेंगे गार्निशिंग। अभी मेरे पास है कुछ मिंट लीव्स जिससे हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे गार्निशिंग, ऐसे साइड में प्लेस कर देंगे।
सो फ्रेंड्स, रेडी हो गया है हम लोगों का चोको मूस। इसको अभी 6 से 7 घंटा फ्रीजर में रखिए और सर्व कीजिए अपने गेस्ट को, और इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा समर को वेलकम करने वाला ये रेस्टोरेंट स्टाइल चोको मूस का रेसिपी? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखिए और लाइक कर दीजिए, और ऐसा ही इनोवेटिव रेसिपी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।